आइए आज हम जानेंगे कि कंप्रेसर लगाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी जगह पर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है कंप्रेसर का इन्फ्लुएंसर। इसी के जरिए कंप्रेसर मोटर में पानी आता है। इसे लगाने के लिए अच्छी तरह से इसको लगाएं और इसे रेंच से टाइट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत कोई क्या करते हैं कि रेंच से टाइट करते हैं जिसके कारण ये फट जाता है। इसे अच्छी तरह से टाइट करें। इसमें 1 इंची और 1/2 इंची साइज के पाइप लगाए जाते हैं और इनको टेप्लोन टेप और जिंक लगाकर अच्छी तरह से फिट करें। रेंच लगाने की गलती बिल्कुल ना करें। रेंच लगाने से अधिकतर कंडीशन में 1/2 इंची वाले एल्बो के पास जो सॉल्वेंट लगाया हुआ रहता है वो टूट जाता है, जिस वजह से ये इन्फ्लुएंसर सही ढंग से पानी नहीं दे पाता है। सारी हवा यहीं पे ही निकल जाती है। कंप्रेसर मोटर का एक मुख्य काम है कि वो हवा बनाता है। वो हवा के जरिए ही पानी को ऊपर धकेलता है, जिस वजह से वो इन्फ्लुएंसर ख़राब होगा तो कभी भी पानी ऊपर नहीं आएगा। और ध्यान रखें कि सारे पाइप को अच्छी तरह से जिंक और टेफ्लॉन की मदद से टाइट करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करें कि अगर किसी तरह की भी समस्या हो या कहीं पे काम कराने की आवश्यकता हो तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल पर ही कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कहाँ पे समस्या आई है। आइए हम सारे पाइप को एक एक करके बोरवेल के अंदर डालते हैं और मोटर को चला के देखेंगे आखिर कैसा वर्क करता है। इस मोटर में एक बात और भी है, ये लगातार पानी नहीं देता है। तो बहुत भाइयों को ये परेशानी होती है कि मोटर लगातार पानी नहीं देता है, वो रुक रुक के पानी देता है। वो ऐसी समस्या है, ये समस्या नहीं है, ये मोटर का ऐसा ही वर्क होता है कि वो लगातार पानी नहीं देते है। आइए चाय पैक करते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताएं और अपना सजेशन दें कि और क्या सुधार करें इसमें। या आपको जानकारी अच्छी लगी ताकि मेरी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिले। चाय पैक को हम लगा चुके हैं। अब देखिए मोटर को लगाने वाली वीडियो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आप बने रहे हमारे चैनल में और लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। आपका धन्यवाद। अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे मोटर कैसे लगाते हैं। धन्यवाद।